नमस्कार साथियों आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं आपने टाइटल देख लिया होगा कई लोग सवाल पूछ रहे हैं रेगुलरली आप लोग बातचीत कर रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं आप अपनी राय रख रहे हैं हमारी टीम भी आपको जवाब भी दे रही है रेगुलरली हमारी टीम आपसे इंटरेक्ट कर रही है और आपके मैक्सिमम टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा टॉपिक पर वीडियो बनाई जा चुकी है राजनीति की और उम्मीद यह है कि हजार टॉपिक राजनीति के कम से कम हम लोग कवर करें वीडियो के माध्यम से ताकि आपको ज़्यादा से ज्यादा चीज़ें पता चल सकें जैसे आज का टाइटल है किसी भी उम्मीदवार को किसी पार्टी से अगर टिकट लेनी हो तो पार्टी से टिकट कैसे मिलती है पार्टी से टिकट प्राप्त करने का तरीका क्या होता है तो जिस साथी ने सवाल पूछा मैं पहले तो ये बता दूं हर पार्टी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं हो सकता है वो एक क्षेत्रीय दल हो तो क्राइटेरिया अलग होगा अगर वो राष्ट्रीय दल है तो क्राइटेरिया अलग होगा अगर वो कोई नई पार्टी है तो बिल्कुल क्राइटेरिया अलग होगा तो पहले पार्टी के आधार पर यह तय होता है कि आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं लेकिन फिर भी आपने क्या तैयारी करनी है किसी भी पार्टी से टिकट मांगते समय कुछ बेसिक तैयारियां करनी होती हैं और फिर पार्टियां क्या क्या आधार हो सकता है उन पर मैं बात कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अपने आप को तैयार होने में मदद मिल जाए सबसे पहली बात तो कोई भी पार्टी कोई भी एक्स वाई जेड पार्टी आपको उम्मीदवार क्यों बनाए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा आप कहते हैं मैं लॉयल हूं आप कहते हैं मैं पार्टी का वफादार सिपाही रहा हूं आप कहते हैं मैंने पार्टी के लिए काम किया पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग पदों पर रहा हूं तो ये ये तो कोई आधार नहीं होता पार्टी का आप कहते हैं मैंने बहुत सारा काम किया है लोग एरिया में बहुत सारे मुझे जानते हैं ये भी कोई आधार नहीं होता है पार्टी में टिकट का आप कोई ऐसा सॉलिड रीजन दीजिए जो औरों से बाकी सभी उम्मीदवारों से आपको अलग खड़ा करता हो क्योंकि जो भी उम्मीदवार टिकट मांगने जाएगा क्या कोई भी उम्मीदवार ऐसा जाएगा जो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है क्या कोई भी उम्मीदवार जनरली जाते हैं, वो होते हैं वो कैसे आते हैं वो भी हम कभी चर्चा करेंगे आपको कि पैराशूट तो कैसे बचना है अगर पार्टी जनाधार ही देखेगी तो सभी का जनाधार होगा उसमें आपको क्यों प्रेफरेंस दी जाए अके लोग कहते हैं कि नहीं सर वहां पर तो मेरी पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा है अगर पार्टी मुझे वहां से अपना उम्मीदवार बनाती है तो वहां से तो कोई मैं चुनाव आराम से निकाल लूंगा क्योंकि पार्टी का वोट बैंक है पार्टी का जनाधार है अब सवाल ये उठता है कि जहां पार्टी का ऑलरेडी जनाधार है जब पार्टी के टिकट पे कोई भी चुनाव जीत सकता है वहां पार्टी आपको क्यों मौका दे अब में ऐसा क्या है क्या ऐसा यूएसपी है आपका क्या यूनिक सेलियंट पॉइंट है जिसपे पार्टी आपको कंसिडर करे अब आप कहते हैं कि मेरे आने से पार्टी की जीत की संभावना बढ़ जाती है समीकरण प्लस होते हैं हाँ तो अब पार्टी आपको कंसिडर कर सकती है हो सकता है आपका अपना वोट बैंक हो पर्सनल दस हज़ार का वोट बैंक विधानसभा स्तर पर लोकसभा स्तर पर दस पंद्रह बीस हजार का वोट बैंक जो आपके साथ जल, चलता हो आप कभी इंडिपेंडेंट किसी पोस्ट पर रहे हो कॉर्पोरेटर रहे हो जिला पंचायत सदस्य रहे हो या बी डी मेंबर रहे हो या कोई कोई ऐसा चुनाव अपने अपने बलबूते लड़ा हो जिसमें आपका अपना जानाधार हो तो आप पार्टी आपको कंसीडर कर सकती है या हो सकता है आपके जातिगत समीकरण ऐसे फिट होते हो कि जिसमें आपके आ जाने से पार्टी को कुछ वोट एड ऑन हो सकते हैं जो जनरली नहीं होती है दूसरे उम्मीदवार के केस में नहीं होगी या दूसरी जाति के उम्मीदवार के केस में नहीं होगी क्योंकि भारत में धर्म और जाति की राजनीति चलती है या धार्मिक समीकरण ऐसे होते हो आपके आने से कोई धार्मिक ध्रुवीकरण ऐसा होता है जो पार्टी के पक्ष में जाता है तो आपको उस उस कंसिडर में तो आप कह सकते हैं उस पॉइंट पर कंसिडर किया जा सकता है आपको कि हां आपके आधार पर आपकी वजह से पार्टी की सीट जीतने में मदद मिलेगी तो सबसे पहले तो यह देखिए कि आपको क्यों उम्मीदवार बनाया जाए क्या ऐसे समीकरण अगर जाति का समीकरण भी धार्मिक समीकरण भी है तो उस जाति और धार्मिक समीकरण में आप कैसे फिट होते हैं केवल यह कह देना कि मैं उस जाति का व्यक्ति हूं या मैं उस धर्म को मानता हूं आपको मौका दिया जाए उस जाति या धर्म के किसी दूसरे को मौका क्यों ना दिया जाए आपको ही क्यों फिर पार्टी के लिए आपका अभी तक का क्या क्या योगदान रहा है या आगे पार्टी के लिए क्या योगदान हो सकता है आप ऐसा क्या करेंगे जिससे पार्टी को लगे कि हाँ इस व्यक्ति को मौका दिया जाए ये व्यक्ति विधायक या सांसद बने पार्टी का तो पार्टी के लिए काम आ सकता है पार्टी के लिए अभी तक इसने ऑलरेडी ऐसा किया है बैकग्राउंड चेक किया जा सकता आपका, आप है आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप लॉयल रहे ठीक है लॉयल्टी के साथ क्या किया बहुत सारे लोग हैं पार्टी में लॉयल हैं बेकार बैठे हुए हैं एक कार्यकर्ता एक लीडर एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ा नहीं है पार्टी में बाहर जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार करते नहीं है उसके लिए पार्टी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन नहीं है बड़े नेताओं का कोई कार्यक्रम है उसकी सभा नहीं किया लोगों से मिल नहीं रहे हैं बात नहीं कर रहे हैं पार्टी की विचारधारा को सही नहीं बता पा रहे हैं लॉयल होना ठीक है अलग बात है लॉयल्टी एक गुण हो सकता है लेकिन लॉयल्टी के आगे क्या उस लॉयल्टी के आधार पर आपने किया क्या पार्टी के साथ आप पार्टी में बने रहे आप कहते हैं मैं शुरुआती दौर का उम्मीदवार व्यक्ति रहा हूं पार्टी का तो इससे क्या फर्क पड़ता है पार्टी को पार्टी को समझना पड़ेगा आपको कि आप पार्टी क्या पार्टी एक बहुत बड़ी यूनिट है उस बड़ी यूनिट में बहुत सारे पत्थर रहे होंगे शुरुआत में जो नींव में लगे होंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नींव का हर पत्थर आकर के बोलने लगे कि मैं काबिल भी हूं क्योंकि शुरुआती दिनों में काबिलियत नहीं देखी जाती उस टाइम तो यह देखा जाता है लॉयल्टी चाहिए लेकिन जब पार्टी स्टैब्लिश है तो लॉयल्टी के साथ काबिलियत चाहिए आपको तो आपके अंदर कोई ऐसा गुण हो कोई आपने का पार्टी के लिए क्या हो तो उसको रिकॉर्ड को बनाइए क्या लोग क्या करते हैं टिकट मांगने समय अपना पुराना मैंने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया ये सभाएं कराई ये कराया इतने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए इतने बच्चों के लिए शिक्षा का कराए कराई ये सब क्राइटेरिया नहीं है सबसे पहले मैंने बताया पार्टी के लिए आपने क्या किया पार्टी के बैनर तले आपने कौन से काम किए और जिसपे आपका संपूर्ण या मैक्सिमम योगदान रहा हो हंड्रेड परसेंट आपने अपनी तरफ से किया है तो बहुत अच्छी बात है और अगर 100 परसेंट आपने अपनी तरफ से नहीं भी किया है तो जिसमें मैक्सिमम योगदान आपका रहा हो वो कामों को बताइए दूसरा पार्टी का पार्टी के टिकट देने का जैसे मैंने कहा अलग अलग आधार है कुछ आधार होते हैं जिन पर आप फिट बैठने चाहिए जैसे एक आधार है विनिबिलिटी फैक्टर विनिबिलिटी फैक्टर से जनरली पार्टियां कंप्रोमाइज नहीं करती हैं अगर आपकी जीत की संभावना हुई या आपको टिकट देने से पार्टी को लगा कि वो सीट निकालने में आसानी होगी डेफिनेटली आपका नाम कंसिडर किया जाएगा लेकिन विनिबिलिटी फैक्टर अकेला क्राइटेरिया नहीं होता है कई सीटें पार्टी ऐसी रखती है जो हारने के लिए छोड़ी जाती है अभी सुनकर आपको हैरानी हो रही होंगे ना हारने के लिए पार्टी सीट रखती जी हाँ क्योंकि एक तो गठबंधन पार्टी का होता है आमने सामने किसी क्षेत्रीय दल का दूसरे क्षेत्रीय दल से या राष्ट्रीय दल का दूसरे राष्ट्रीय दल से या राष्ट्रीय दल का क्षेत्रीय दल से जिसमें तय होता है कि इस सीट पर एक दोनों में से कोई एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तीन चार पार्टियों का गठबंधन है उनमें से किसी एक पार्टी का आएगा ये तो सामने वाला गठबंधन है एक गठबंधन है जो पर्दे के पीछे होता है और आप देखेंगे अक्सर अगर आप चुनाव को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो भारत की राजनीति में अक्सर ऐसा हुआ है कि कमजोर उम्मीदवार को ही भेजा जाता है सामने वाले मजबूत उम्मीदवार के सामने कोशिश की जाती है कि सामने वाले को वॉक और मिले सदन में वो लोग रहने चाहिए और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है लोकसभा या विधानसभा में जो पार्टियां इंटेलेक्चुअल्स होती हैं या जो पार्टियां मानती हैं कि सामने डिबेट डिस्कशन हमें करनी है तो मजबूत व्यक्ति उन्हें चाहिए होता है वहां सदन में अगर मजबूत व्यक्ति सदन में नहीं मिलेगा उनको तो इससे नुकसान हो सकता है क्यों क्यों क्योंकि डिबेट ही नहीं होगा डिस्कशन नहीं होगा पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो राजनीति शायद खत्म हो सकती है राजनीति को आ, के जो स्टैंडर्ड है सदन का उसको उसमें डिबेट के स्टैंडर्ड को बाकी चीजों को शायद उतना ना मेंटेन किया जा सके या उतना बड़ा स्टेटस ना पहुंचे तो उसको मेंटेन करने के लिए भी बड़े नेता चाहिए होते हैं सदन में दूसरा एक मान सम्मान रहता है आपस में कि बड़े नेता को हम ना हराएं ताकि हमारे बड़े नेता को वो ना हराएं और ये अक्रॉस दी पार्टी कोई रिटर्न रूल नहीं है अमूमन बहुत एडवर्स कंडीशन ना हो तो अमूमन पार्टी के सामने मतलब मजबूत नेता के सामने किसी कमजोर को खड़ा जाए किया जाता है भले वो जीत जाए वो अलग बात है कई ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि कमज़ोर ने हरा दिया लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बड़े नेता खुद जाकर के चुनाव लड़ लें आपने नहीं देखा होगा दो पार्टी के प्रधानमंत्री के दावेदार दोनों जाकर के सामने आमने सामने भिड़ जाएं वो तब जब कि दोनों में दोनों में उतना पोटेंशियल हो ऐसा नहीं होता है ऐसे कहने को तो कोई भी कह सकता है मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और जाकर प्रधानमंत्री के सामने लड़ लें लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट हो और जो दोनों ही पार्टियों का जनाधार हो बड़ी पार्टियां हो और दोनों जाकर के लड़ रही हो तो आमने सामने नहीं लड़ेंगे क्यों स्पेस दिया जाएगा एक दूसरे को ताकि वो भी उसको स्पेस दे सके और ये भी उन्हें स्पेस दे सकें एक तो ये दूसरा जब पार्टी को कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि कोई पर्टिकुलर समीकरण है जो सेट कर उन समीकरण को सेट करने में आप योगदान दे सकते हैं आपकी जाति धर्म फाइनेंशियल स्टेटस बहुत सारी चीजें उन समीकरणों को देखना पड़ेगा कि पार्टी के यहाँ कौन से समीकरण डिस्टर्ब हो रहे हैं और जनरली किन सीटों पर टिकट लेना आसान होता है वो सीटें जो पार्टी लगातार एक लंबे समय से हार रही होती है तो अगर आपको वाकई टिकट चाहिए ना तो पहले उन सीटों को आइडेंटिफाई करो जिन सीटों पर पार्टी लगातार हार रही है या जहां पर पार्टी का ज्यादा जनाधार नहीं है और उस जनाधार को तैयार करने के लिए काम करो कम से कम अगले चुनाव अगर छह महीने हैं या एक साल है तो कम से कम छह महीने एक साल पहले ही उस जनाधार को तैयार करो अब आपको मांगने नहीं जाना पड़ेगा हो सकता है ऐसा माहौल बन जाए कि पार्टी खुद घर आकर के आपको टिकट दे हो सकता है पार्टी आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हो सकता है पार्टी आपको ही लीड करने की जिम्मेदारी दे क्यों क्योंकि आपने पार्टी के विस्तार के लिए प्रचार प्रसार के लिए काम किया और ये तभी हो सकता है जब आप खुद अपने लेवल पर उस पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हो उस पार्टी को प्रमोट करने के लिए तैयार हो उस पार्टी से कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी दिल्ली तौर पर अंदरूनी तौर पर आपका उस पार्टी से कनेक्शन होना चाहिए उसकी विचारधारा से कनेक्शन होना चाहिए और उस बात को आत्मसात किया हुआ आपने कि पार्टी आप दोनों में कोई भेद नहीं है आप और पार्टी पार्टी और आप दोनों एक ही हैं और जब ये संदेश नेताओं को जाता है जब ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इतनी मेहनत कर रहा है ईमानदारी से डेडिकेशन से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पैसा समय संसाधन लगा करके पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है तो डेफिनेटली कंसिडर किया जाता है टिकट भी मिलती है और आगे उम्मीदवार चेहरा भी बनाया जाता है कई बार पूरा कैंपेन का जिम्मेदारी दी जाती है कई बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है एक और बड़ा कारण किसी भी पार्टी से टिकट प्राप्त करने के लिए क्या हो सकता है आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हो तो देखा होगा आपने अक्सर कोई व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर रहा आई ए ऑफिसर रहा या कमिश्नर रहा किसी सेना के बड़े पद पर रहा और जब वो लोग रिटायरमेंट लेते हैं वॉलन्ट्री रिटायरमेंट लेते हैं स्पेशली और जब वो लोग आकर के किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं पार्टी तुरंत उन्हें कंसिडर कर लेती है उम्मीदवार के लिए और कई लोग आकर के लो मुझसे शिकायत भी करते हैं कहते हैं सर कई तो लोग मेहनत करते रहते हैं सालों साल मेहनत करी लॉयल्टी फी थी सब कुछ था लेकिन अचानक एक व्यक्ति आया ऊपर से पैराशूट के रूप में और उसे मौका मिल गया देखिए ये उसका पैराशूट लैंडिंग तो कहा जा सकता है लेकिन ये काबिलियत के आधार पर पैराशूटिंग हुई है ना कि जाति धर्म के आधार पर किसी पर्टिकुलर नेता से संबंधों के आधार पर ना किसी बड़े राजनीतिक घराने के नाम के आधार पर तो यदि आप से कोई ऑफिसर है आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को सुन रहा है कोई ब्यूरोक्रेट्स है कोई अच्छा टीचर है किसी स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल है किसी बड़ी पोस्ट पर रहा है किसी बड़ी कंपनी का सी रहा है प्राइवेट कंपनी में भी तो इन लोगों के लिए एंट्री का या टिकट प्राप्त करने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली जब वो टिकट के लिए दावेदारी करेंगे तो वो अपना बहुत कुछ छोड़ करके बहुत कुछ दाव पर लगा कर के आएंगे और जब कोई व्यक्ति इतना सब कुछ दाव पर लगा रहा होता है तो डेफिनेटली पार्टियां कंसीडर करती हैं कि जिसने हमारी विचारधारा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी उस उस सारी लग्जरी सारी चीज़ों को छोड़ा तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएं तो ये मैंने कोशिश की बताने की आपको कि किस आधार पर टिकट मिल सकती है इसके अलावा भी बहुत सारे आधार हैं कुछ बातें जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि राजनीति में सारी चीज़ें जो पर्दे पर हो रही हैं वही सब नहीं हो रही होती हैं पर्दे के पीछे भी हो रही होती हैं आप सब समझदार हैं समझते हैं इस बात को कि टिकट प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पर ये सारी चीजें बड़ी मायने रखती हैं इसके अलावा भी और पांच सात चीजें हैं जो टिकट प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं कभी अगर आपको चुनाव में किसी उतरना हो टिकट चाहिए हो किसी पार्टी से तो हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करिए हम लोग आपका पूरा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे आपको टिकट मिलने की संभावना अधिक से अधिक हो जाए जिससे आपका जनाधार बने आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो और पार्टी आप पर विश्वास कर सके पार्टी आपको अपना उम्मीदवार बना सके फिर भी कोई भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि किसी पार्टी का टिकट श्योर है और गारंटीड आपको टिकट मिल जाएगा गारंटी किसी की भी नहीं होती हमने देखा कई ऐसे मैंने चुनाव देखे हैं चुनाव मैनेज किए हैं जहाँ पर सिटिंग सिटिंग व्यक्ति जो ऑलरेडी विधायक रहा उसके टिकट कटे ऑलरेडी सांसद रहा उनके टिकट कटे कई ऐसी जगह देखा जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो टिकट बांट रहा है उसका खुद का टिकट कट गया आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी और मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको मेरी टीम जानती है इस बात को प्रदेश अध्यक्ष जो टिकट बांट रहा है और मेरी टीम में जो साथी हैं उन्होंने एक बार बोला भी था उनको कि आ, आपका भी टिकट कंफर्म नहीं है तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है मैं तो टिकट बांट रहा हूँ भाई मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ मेरा टिकट कन्फर्म है तो मुझे बात को कवर अप करना मैं नहीं, नहीं वो ये कह रहे हैं कि आप तो कहीं से भी लड़ लेंगे प्रदेश अध्यक्ष है और सच्चाई यही थी कि उनका भी टिकट कन्फर्म नहीं था और बाद में क्या पता चलता है कि उनका टिकट कट गया और जब इतने बड़े व्यक्ति का टिकट कट सकता है तो पार्टी पार्टी से बड़ा कोई नहीं है भले ये और बात है उसके बदले में पार्टी ने क्या उनको दिया क्या किया होगा क्या तालमेल बैठाया गया क्या उनको कन्वेंस कैसे किया पार्टी ने वो पार्टी की और उनके व्यक्ति के आपस के बातें हैं लेकिन ये हुआ है और हो सकता है तो कोई ये ना सोचे कि किसी की टिकट टिकट कट नहीं सकती है क्योंकि वो जीता हुआ है लगातार तीन बार चार बार से जीत रहा है सांसद है विधायक है पार्टी में पकड़ है प्रदेश अध्यक्ष बन गया है किसी की भी टिकट कट सकती है और कभी भी किसी को भी टिकट मिल सकती है बशर्ते कि वो कुछ कुछ पार्टी के समीकरण जो है उनको फुलफिल करने के लिए तैयार हो जाए तो अगर आप भी तैयार होंगे तो डेफिनेटली आपको भी टिकट मिलेगी और पार्टी आपका भी समर्थन करेगी पार्टी को लोग चाहिए भाई पार्टी की इसे दुश्मनी नहीं है पार्टी तो सिर्फ चाहती है अच्छे लोग मिलने चाहिए और जो लोग उस 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 विचार में उस में समीकरण उस आ, आ, समय के समीकरण में फिट होते हैं तो उनको कंसिडर किया जाता है दूसरी पार्टी से भी आकर के कई बार टिकट मिल जाती है तो बहुत सारे पैरामीटर हैं कुछ पैरामीटर मैंने इसमें बताने की कोशिश की है आगे भी रेगुलरली आपको गाइड करते रहेंगे कोई डाउट हो कोई सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं आप हमसे मिल सकते हैं हमारी टीम से बात कर सकते हैं आज के लिए इतना ही आपके उज्जोर राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत